तो हेलो वेलकम नमस्कार, कैसे हो आप लोग, कैसी चल रही है तैयारी। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके पास में सॉलिड स्टेट का लास्ट पार्ट। भाई देखो, अभी तक की जो कहानी चल रही है, अगर तुम लोगों ने फॉलो करी है, रिगुलसली उसको पढ़ा है और नोट डाउन करे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो ये वीडियो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाई आज हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे पिछले वीडियो में हमने कहानी रुकी थी, अब आगे कहानी बढ़ती है और बात करेंगे मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। मेटल डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो भाई ये तो दोनों डिफेक्ट जो है वो बहुत ही आसान है समझने में। तो भाई एक में क्या हो रहा है कि मेटल की कमी पड़ रही है और दूसरा वाला होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसके अंदर मेटल ज्यादा हो रहा होगा। तो भाई देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज। अब भाई कैटायन वैकेंसी का मतलब आ गया, कैटायन ने वैकेंसी खाली कर दी, भाई कैटायन भाग गया वहां से, कैटायन भाग गया तो अब क्या होगा कि भाई यहां पे होगा एब्सेंस ऑफ कैटायन। क्या होगा? एब्सेंस ऑफ कैटायन। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में जैसे Cu2O, है ना, Cu2O है अपने पास में, इसके अंदर कुछ कॉपर दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, ये तो आपको पता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दो टाइप की वैलेंसी शो करता है, प्लस वन और प्लस टू। प्लस वन वाले को बोलते हैं क्यूप्रस, प्लस टू वाले को बोलते हैं क्यूप्रिक। ये भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा, डी और एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा, पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए, तो भाई इसके अंदर Cu प्लस जो होता है वो क्या होता है, मिसिंग आयन होता है। कौन सा आयन? कैटायन। कैटायन जो है इसके अंदर मिसिंग कौन सा है? Cu प्लस। जैसे ही Cu प्लस दो मिस हो जाते हैं, दो मिस हो जाते हैं और इसके जगह पे कौन उसकी साइड पे आ जाता है, Cu2+। Cu2+ दोनों ही मिक्सचर में रहते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का रहेगा, वो तो सारी चीजें डिपेंड करती है कि कितना आपने उसको क्रिस्टल को हीट किया है, क्या किया है, उसके हिसाब से चीजें डिपेंड करती है। हमेशा याद रखो, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंट। पहले यहाँ पे एक्सपेरिमेंट होते हैं और फिर उसके बाद में हम उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, तो यहाँ पे दोनों चीजें रहती हैं। तो भाई Cu+ जो है आयंस वो क्या रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, और Cu2+ जो रहते हैं वो उस वैकेंसी को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या हो गया भाई, यहां पे कैटायन जो है गायब हो गए, कुछ कैटायन गायब हो गए, एक कैटायन उसकी जगह भर रहा है, तो लेकिन एक जगह तो अभी भी क्या है, खाली है। अगर हम बात करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस की, तो भाई एनायंस में क्या होगा कि भाई कोई एनायन गायब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यही चीज अपन को नोट करनी है कि एनायंस इसके अंदर से क्या रहते हैं, मिसिंग रहते हैं। अब इसमें एक छोटा सा बेटा एक कांसेप्ट आता है मेरे भाइयों, कि जो ये एनायंस गायब हो रहे हैं, अब भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करनी है ना कि नहीं करनी? करनी है, बिल्कुल करनी है सर। तो भाई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उन वैकेंसीज जो है उनके अंदर कौन ऑक्यूपाई कर लेते हैं उन वैकेंसीज को? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है उन वैकेंसीज को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इससे हमारे लिए क्या फायदा है, क्या नफा है, क्या नुकसान है, ये तो बताइए बाबा जी। तो भाई बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि इससे बनता है बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, क्वेश्चन ये बनेगा कि एक LiCl का हमारे पास में क्या है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल को अपन ने हीट किया, उसके अंदर पिंक कलर आ गया। क्या आ गया? पिंक कलर आ गया, और उस वजह से क्या हुआ कि भाई अब समझाओ कि ये क्यों आया है। तब आप क्या लिखेंगे, तब आप ये लिखेंगे कि भाई साहब यहां पे हो रहा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायंस, और उन एनायंस की जो वैकेंसी क्रिएट हुई और उस वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहां पहुंच जाते हैं, वैकेंट साइड पे। इन वैकेंट साइड्स को क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। इनको क्या बोला जाता है, एफ सेंटर, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, फॉर द कलर। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि भाई LiCl को हीट अप करते हैं तो क्या बनता है, पिंक कलर बनता है। तो भाई समझाइए इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे ये चीज कि एफ सेंटर की वजह से। एफ सेंटर क्या होते हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं छोटे छोटे कंसेप्ट से। देखो लगातार जो है मैं आपको बता रहा हूं कि छोटे छोटे कंसेप्ट दिमाग में क्या करो, क्लियर करो अपने। तो भाई ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैकेंट साइड को जब ऑक्यूपाई कर लेगा तब क्या बनेगा, एफ सेंटर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। अब
भाई एक चीज और बचती है इसके अंदर, वो क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन। अब अभी तक अपन बात कर रहे थे किसकी, मेटल डेफिशिएंसी की बात कर ली हमने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की जब हम बात करी तो हमने एनायंस के बारे में बात कर ली। अब एक और चीज है अपने पास में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन। इसके अंदर हमको सिर्फ एक ही चीज में ध्यान में रखनी, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन सिर्फ इतना से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें होता क्या है। तो भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन में इंटरस्टीशियल स्पेस, मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था इंटरस्टीशियल स्पेस क्या होती है, तो उसको जाके देखो, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो तुम लोग। तो इंटरस्टीशियल स्पेस जो है, ठीक है, वो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा यहां पे, कैटायन ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो भाई ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। इस पार्ट में हमको क्या चीज मेन समझनी है कि भाई एफ सेंटर क्या होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब आ गए हैं हम लोग कहां पे, अंतिम पड़ाव पे इस चैप्टर के, दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें हैं। देखो सबसे पहले तो कि वो क्या होते हैं, किस टाइप में क्लासिफाई होते हैं, और उसके बाद में उसके अंदर एक और सब क्लासिफिकेशन है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर में बाबा गैंग का जो आपका फिजिक्स के वीडियो है, ठीक है, आप उसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर सेमीकंडक्टर बहुत डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो वहां से आप वो पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर सकते हो कि भाई क्या सेमीकंडक्टिविटी किस तरीके से सॉलिड्स जो है वो शो करते हैं, तो आपको वहां पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड्स की, जनरली क्या होती है कि हम उनको तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, दे आर द इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो भाई इंसुलेटर्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार से रहती है, 10^-20 से लेकर 10^-10 पर ओम पर मीटर। मीटर ये जितनी भी यूनिट्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कंडक्टर्स की रेंज जो है दैट इज 10^4-10^7 पर ओम पर मीटर, एंड सेमीकंडक्टर्स आर 10^-6-10^7। लेकिन बाबा जी ये तो बताइए कि एक्चुअली में इनकी डेफिनेशन होती क्या है। तो भाई डेफिनेशन अगर पूछो आप मुझसे तो भाई इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को उनके वैलेंस शेल से लेके कंडक्शन शेल में ना जाने दें, ये उसकी करेक्ट डेफिनेशन है बेसिकली। लेकिन हम उसको क्या पढ़ते हैं, इंसुलेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि करंट को एक जगह से दूसरी जगह पास नहीं होने देते, ठीक है, या बहुत मुश्किल से पास होते हैं या बिल्कुल भी पास नहीं होते, जो भी आप उसको बोलना चाहो, ठीक है। कंडक्टर्स वो होते हैं जो कि ईजिली क्या होते हैं, करंट को पास करने देते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स के जो वैलेंस शेल होती है और जो कंडक्शन शेल होती है वो एक दूसरे पे क्या कर जाती है, ओवरलैप कर जाती है। इस वजह से क्या होता है कि उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए। सेमीकंडक्टर्स में वो जो ब्रिज है वो थोड़ा सा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड क्या रहता है, उसके अंदर गैप रहता है, इस वजह से वो जंप नहीं कर पाते, उसको हम बैंड गैप बोलते हैं, जो भी है। तो ये सब पढ़ने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कई सॉलिड जो है अलग अलग टाइप का मैग्नेटिज्म की तरफ जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज अ पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में बेसिकली हमको क्या ध्यान में रखना है, बाकी पार्ट जो है वो फिजिक्स का है, हमको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि पैरामैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है। पैरामैग्नेटिज्म होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक लिखते हो अगर उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आप देखते हैं तो उसमें क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म होगा, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। आगे बढ़े अगर तो डायमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म जो होगा वो किसकी वजह से होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। अब कुछ सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म ये तो समझ में आ गया सर, अब इसके बाद में कुछ हमें समस्या आती है कायम है, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में बेसिकली हमको किस तरीके से उसको ध्यान में रखना है, हमको उस तरीके से ध्यान में रखना है, उसके अंदर डोमेन्स होती है। क्या होती है, डोमेन्स होती हैं जो कि डायपोल मोमेंट की वजह से क्या होती है, एक दूसरे की तरफ अलाइन हो जाती है। अगर कई सारी डोमेन्स एक साथ अलाइंड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड जब आप लगाते हैं तो कई सारी डोमेन्स एक साथ अगर अलाइंड है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। फेरोमैग्नेटिज्म जो डोमेन्स होती है, डोमेन्स में सारी डोमेन्स अगर एक ही साइड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है जो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, दैट इज द कोबाल्ट शो करता है, निकल शो करता है, क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो शो करता है। तो
ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं वेरी स्ट्रॉन्गली एंड दे आर इवन यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स. सो इफ यू टॉक अबाउट द एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का उल्टा, फेरोमैग्नेटिज्म का उल्टा, तो भाई इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर डोमेन्स जो है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे रहेगी. तो इस वजह से क्या होगा कि भाई इसके अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा, किसका, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. तो भाई अब इसके बाद में अगर आ जाए हम किसके बारे में, फेरी मैग्नेटिज्म की वजह से. फेरी मैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरी मैग्नेटिज्म कुछ डोमेन्स जो है वो ऊपर अलाइन होते हैं, कुछ डोमेन्स जो है, नंबर ऑफ डोमेन जो कि ऊपर अलाइन है और एक डोमेन जो है नीचे, फिर दो डोमेन ऊपर एक डोमेन नीचे, नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर बट एक जनरल आइडिया अपन इस तरीके से ले सकते हो. फेरी मैग्नेटिज्म इज समथिंग लाइक दिस. कौन सा सब्सटेंस है जो फेरी मैग्नेटिज्म शो करता है, Fe3O4. सर ये क्या है, अरे ये Fe3O4 कैसे बन गया, चलो ठीक है देख लेते हैं इसको भी. Fe3O4 की कहानी बताता हूं. Fe3O4 जो है वो बेसिकली क्या है कि ये यहाँ पे ना आयरन प्लस 4 वैलेंसी नहीं शो कर सकता, ऑक्सीजन माइनस 3 वैलेंसी नहीं शो कर सकता. बेसिकली ये दो चीजों का मिक्सचर होता है, किसका, FeO प्लस Fe2O3 बेसिकली. ठीक है, तो FeO प्लस Fe2O3 इनका मिक्सचर, इन दोनों को सबको ऐड करो, Fe और यहाँ पे ये, तो कितने होगा 3, यहाँ पे कितने होगा ये 4. इस कंपाउंड का नाम होता है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड. क्या होता है, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, या फिर नॉर्मल जनरल भाषा में अगर अपन बात करें तो आयरन 2-3 ऑक्साइड. ये इस कंपाउंड की कहानी, चलो कंपाउंड आया था तो बता दिया. ठीक है, एनीवेज, तो भाई ये थी कहानी सॉलिड स्टेट की. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. ठीक है, और इसी तरीके से बिल्कुल जुड़े रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को. लेकिन उससे पहले ये चीजें नोट डाउन कौन करेगा भाई, चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो. चलो हो गई है चीजें नोट डाउन, सारी चीजें हो गई हैं बराबर, सॉलिड स्टेट हो गया है कंप्लीट. अब आपके कमेंट्स की बारी. भाई कमेंट्स की बारी में ये हुआ कि मैंने आप लोगों के कुछ कमेंट्स पढ़े, सबको तो मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ डिमांड आ रही है काय की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो बनेगा वो काय का होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. चालू करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन से, तो बिल्कुल जुड़े रहिए. इस वीडियो को, ये पूरी सीरीज को जो है अपने सारे दोस्तों में शेयर करो, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा पहुंचे. सभी लोग तैयारी कर रहे हो, निस्वार्थ तरीके से शेयर करो भाई. ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में. ठीक है, इसको अपन तैयार करेंगे अच्छे से. केमिस्ट्री मैं शुरू से, सबसे पहले जिस दिन से आया उस दिन से ये बता रहा हूं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री, कोई मिस्ट्री नहीं है. तो भाई तैयारी करते रहो और तब तक के लिए जय हो.